नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है। सुबह से मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। और आज की अगर बात करें तो भक्त आज कर रहे हैं मां कात्यायनी की पूजा और 9 दिनों तक देवी के नवरूपों की भक्त आराधना कर रहे हैं और मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और भक्त आज कर रहे हैं मां कात्यायनी की पूजा और 9 दिनों तक देवी के नवरूपों की भक्त करेंगे आराधना। और आज क्योंकि छठा दिन है, ऐसे में मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिरों में सुबह से ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज है और आपको बता दें कि आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और अपनी स्वेच्छा के अनुसार भक्त माँ की पूजा कर रहे हैं। 9 दिनों तक देवी के नवरूपों की आराधना की जाती है और ऐसे में आपको बता दें कि मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। तो नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। आपको बता दें कि छठे स्वरूप में कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि का छठा जो दिन है वो कात्यायनी को समर्पित होता है। माता इस रूप में भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त का वरदान देती हैं। और ये भी माना जाता है कि देवी दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इतना ही नहीं, अगर ऐसे में माँ के मंदिर में जाकर जो भी माता की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो भक्त आज कर रहे हैं मां कात्यायनी की पूजा और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इनके आशीर्वाद से भक्तों को उनके जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है और भक्त सुबह से ही मंदिरों में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधान है और देवी कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मां के स्वरूप की बात करें तो मां 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार हैं। उन्होंने अपने हाथों में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए रहती हैं। और आपको बता दें कि अन्य जो उनके 2 हाथ हैं वो वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर कोई माता के दर्शन के लिए और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता भी जगह जगह पर हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आगरा से कृष्ण त्यागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरेंद्र दुबे, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि आज छठा दिन है और पूरे नवरात्रों के व्रत भी रखे जाते हैं, ऐसे में आज मंदिरों में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? और क्योंकि मां कात्यायनी का आज व्रत है तो ऐसे में कहा जाता है कि महिषासुरमर्दिनी भी माता को कहते हैं और जो असुरों पर विजय प्राप्त करती हैं तो ऐसे में मनुष्यों के लिए वरदानी माता भी साबित होती हैं। हरेंद्र दुबे, आवाज मिल पा रही है आपकी? आवाज मिल रही है जी जी। हरेंद्र, हम बताना चाहेंगे कि आज रात्र का छठा दिन है और छठे दिन कात्यायनी की पूजा आराधना भक्तगण करते नजर आए आ रहे हैं। साथ खास तौर से आपको बता दें, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तई 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्तई 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 नमो नमः की पूजा आराधना करते। इस समय हम मौजूद है गोरखपुर से 5 किलोमीटर की परिधि में है माँ बगिया देवी का मंदिर। इस मंदिर की हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर लोगों की, जो आज भीड़ है, आज किस कदर भीड़ माँ के मंदिर में देखने को मिल रही है। और खासतौर से बगिया माँ के स्थान पर जो लोग भी आते हैं, जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं उन्हें
उनकी मनोकामना को माँ अवश्य पूरा करती है। खासतौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पंकज भीड़ लगी है, लोगों की आस्था विश्वास और श्रद्धा भाव का जो आज पर्व है, यह पर्व चल रहा है, इस पर्व पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे आज किस तरह किसकी पूजा कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। जी, आज माता की पूजा की जाती है। क्या लग रहा है कि ये शारदीय नवरात्र में कितने भाव से लोगों को पूजा करना चाहिए? वैसे तो माता हमारे भाव से ही प्रसन्न होती है, आपके जितने भी भाव हैं वो वैसे ही समझ जाती है। जिसमें भाव का कोई ऐसा खास, आप किस भाव को लेकर के मंदिर में? यहाँ पे तो मैं हमेशा प्रेम के ही भाव को लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होती है और उन्हें किसी भी तरह का चढ़ावा की ज्यादा चीज पसंद है कि आपका मन साफ हो और प्रेम हो, प्रेम हो मन में। क्या लग रहा है, आप भी माँ के मंदिर में आए हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, हम तो यही रहने वाले मूल निवासी हैं जी। बहुत पुराना मंदिर है, इतना खड़ा हो और कठोर वाली बगिया माँ के नाम से नाम ध्यान लगा ले, इसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। हाँ। और हम लोग तो हमेशा ही बरतने आते रहते, भजन भी जाते हैं। आज नवरात्रि का छठ जो जिस तरह से देखने को मिल रही है, छठा दिन छठा छठी है। हाँ। और माँ कात्यायनी की पूजा लोग करते नजर आ रहे हैं। सब लोग करते हैं। आज किस तरह से आप लोग पूजा आराधना कर रहे हैं? ये हम दया भाव से और प्रेम भाव, भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ नहीं है। पंकज अभी देख रहे हैं कि लोगों का मानना है कि भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खास तौर से आज का जो इन लोगों की पूजा आराधना का श्रद्धा भाव देखने को मिला है, वाकई एक भक्त ने कहा कि माँ भाव की भूखी है न कि चढ़ावे की। माँ को भाव से अगर पूजा जाए तो माँ मनोकामना ही नहीं, सुख समृद्धि और समाज के उत्थान में अपनी योगदान माँ ने हमेशा दिया है और देती भी रहेगी। इसीलिए माँ को भाव से ही पूजा आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल, वापस लौटेंगे अरिंद्र आपके पास में और आगरा का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णा, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है सबसे पहले तो ये जानेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, क्योंकि आज छठा दिन है और ऐसे में भक्तों का तांता लगातार मंदिरों में देखने को भी मिल रहा है और माता को प्रसन्न करने के लिए जिसके मन में जैसी श्रद्धा है वो उसी हिसाब से माता के दर्शन और पूजा में लगा हुआ है। बता दूं, हम राजेश्वर मंदिर पे मौजूद है। उस मंदिर की विशेषता बताएं कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार रंग बदलती है, सुबह सफेद रंग का, दोपहर में पीले और शाम को नारंगी तरह से, 3 तरह से ये रंग बदलती है। और इस मंदिर में जो आप देखेंगे जिस तरह से आज पूजा अर्चना की तस्वीर हम आपको दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए तमाम महिला एक जुट होती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीर देखेंगे सुबह से ही यहाँ पर महिलाओं की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है और ये आपको तस्वीर देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखी जा रही है। सुबह से ही ये मंदिर में जिस तरह से जो प्रांगण में पूजा अर्चना हो रही है, माता रानी की जिस तरह से ध्यान और धूम ध्यान दे रही होगी, आप देखिए ये लाइव चलती है, यहाँ का तमाम महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई देखी जा रही है। सुबह की आरती हो रही है, आरती के समय ये तरह का ये नजर आया, आज आरती में तमाम महिलाएं जो देखती बसों का लंबा लंबा जो तांता दिखाई देता है। आगरा के सभी मंदिरों की हालत यही है, आगरा में करीब 400 से ज्यादा यहाँ पर जो जो मंदिर के जो पांडाल लगाए गए, इसके अलावा हर घर में जो स्थापना दिवस माता रानी का जो स्थापना की गई है उसको लेकर और हर गली आवाज और मोहल्ले में माता रानी के जो गाने से गुनी सुनाई दे रही है। बिल्कुल ये महसूस हो सकता है कि आगरा में किस तरह माता रानी के
माता रानी के गाने की ध्वनि सुनाई देती है, उससे नजारा बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। आज माता रानी का छठवां दिन है जो कात्यायनी माता की जो पूजा अर्चना की जाती है। आप कल कुछ लोग भी होंगे उससे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप ये जो मंदिर जो देख रहे हैं आप आगरा में, जिस तरह से जो मंदिर है ये पूजा अर्चना करते हुए बिल्कुल ये दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल आगरा में पीछे की जो तस्वीर जो दिखाई थी हमने, जिस तरह से किस तरह से पूजा अर्चना हो रही थी, काफी भक्तजन भी है, एक एक करके तमाम भक्तजन भी है, कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम मेरे साथ मौजूद है, मैडम आज पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ देवियों के दिन चल रहे हैं, मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, माता जी की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए आज मैं इतनी दूर से यहाँ माता के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आई। सुबह का वातावरण बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आकर, माता रानी गेट और जिस तरह से गाने की ध्वनि सुनाई देती है, कोई गेट कोई गाना कोई याद नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन में तो माता रानी के मंदिर में आकर एक ही प्रार्थना है, उसको मैं अपनी दो लाइनों के जरिए बोलूंगी, है मांगू पर दान देवी के भवन के भीतर, मांगू पर दान देवी के भवन के भीतर, मांगू अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी देखने, भक्तों में कितना जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, मंदिरों में जिस तरह से जो तमाम जो भक्तजन हैं, आप पीछे की जो तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आरती के बाहर जो तमाम जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, आप कुछ और भी भक्त होंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है कृष्णा, आप इतने पहुंचे भक्तों के पास, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और इस दौरान हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। वर्षा, आदि शक्ति यानी कि इस दौरान आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी उनका अलग ही स्वरूप है, यानी कि एक तरफ जहाँ यहाँ भक्तों के लिए वरदान के लिए रूप में यहाँ पर साबित होती है माता, और दूसरी तरफ अगर असुरों की बात करें तो असुरों के लिए भी यहाँ पर सीधे तौर पर एक चुनौती रहती है, तो ऐसे में माता के अनेक रूप हैं। आज के रूप की अगर बात करें तो क्या कुछ मंदिरों में नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए नवरात्रि का छठवां दिन है, माँ कात्यायनी की भगवान माँ कात्यायनी की लोग पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि छठवां दिन है, और माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि महिषासुर संहारिणी थी। इसके साथ ही साथ जिस तरह कात्यायन ऋषि के घर जन्मी माँ कात्यायनी, आज के दिन उनका जन्म हुआ था, कहा जाता है कि उनकी पूजा अर्चना से लोगों को फल प्राप्त होता है। हमारे साथ पंडित जी है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या कहानी है माँ कात्यायनी की, किस तरह पूजा अर्चना करें लोग कि भक्त खुश हो सके, उनके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। देखिए आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है, जो कात्यायनी ऋषि की पुत्री हैं। परिवार के हर सुख के लिए, परिवार में संतान के लिए, ये खास करके कात्यायनी माँ का माना, कात्यायनी माँ के लिए आज पूरा जैसे श्रृंगार किया गया है फूलों से फलों से, और कात्यायनी माँ की पूजा के लिए बहुत शुद्धता और बहुत सोच विचार के व्रत करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हम बात करें अगर माँ कात्यायनी की, तो यहाँ सात पंडित जी बैठते हैं और वो पूजा करते हैं, तो कात्यायनी ही नहीं, हमारे यहाँ पूरी सप्तशती से हर देवी की हर रोज़ पूजा होती है, खास करके हमारे यहाँ जो बड़ी काली जी है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साच की शरणे प्रेम के गौरी नारायणी नमस्ते, इस नारायणी देवी की अकेले पूजा में जितना भी हमारा भक्त आता है, घरों में अपने नौ दिन के नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ जो माँ का स्वरूप है, इस स्वरूप में जितने भी देवता हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इसमें सभी देवी देवता भगवान शिव इनकी आराधना में लगे हैं, इसलिए यहाँ पर पूजा करने से हमें पूरे नौ देवियों की पूजा, सभी इष्ट देवों की पूजा का फल मिलता है। मंदिर की मूर्ति काफी विशेष है, इसके बारे में जानना चाहिए। मंदिर की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है, सबसे पुरानी और प्राचीन, मतलब जब आदि गुरु शंकराचार्य धर्म की स्थापना के लिए बाहर निकले तो बद्रीनारायण केदारनाथ चार धाम और चार मठ बनाए,
जो शंकराचार्य नियुक्त किए गए उन्हीं से सब शाखाएं टूटी। ये बौद्ध गया से संचालित होता है, बौद्ध गया में जो बौद्ध मंदिर है वहाँ का महंत यहाँ का संचालन करता है और हम सब यहाँ नित्य इसी तरह का कोई नवरात्रि तो है ही है, विशेष पूजन है, लेकिन नित्य पूजन अर्चन इसी तरह होता है, लोगों का तांता लगा रहता है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज भक्त ऐसा क्या करे कि माता रानी प्रसन्न हो सके क्योंकि आज छठा दिन है नवरात्रि। देखिए आज नित्य की तरह ही पूजा है, हम पूजा में माँ का सब स्वरूप एक साथ देखते हैं। खास हम अपने मंदिर की बात करते हैं कि आज के दिन जितने भी भक्त आते हैं ज़्यादातर लोग जो है यहाँ आकर के नारियल तोड़ते हैं। हम यहाँ सत्य की पूजा होती है, नारियल तो उसमें कात्यायनी माँ की बलि अलग है, हम उस बलि का यहाँ प्रचार नहीं करते हैं। हम अपनी यहाँ केवल नारियल की बलि होती है, लोग नींबू काटते हैं लेकिन नींबू से भी ज़्यादा यहाँ केवल नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। देखिए ये पंडित जी थे अर्चना कैसे की जाती है, कितना शुद्ध रूप से रहकर आज की पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि महिषासुर संहारिणी थी और साथ ही साथ जिस तरह से दुष्टों का संहार करके इस पूरे विश्व को उन्होंने मुक्त किया इस तरह के दुष्टों से, तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफी खास है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना के साथ ही साथ नवरात्रि का आज विशेष दिन भी है, छठा दिन है, माता की पूजा आराधना भक्तजन कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में देखिए आप भीड़ लगने लगी है, लोग कतारों में यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। काफी विशेष ये मंदिर है, माना जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि एक विशेष मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जो नारायण भगवान और माता लक्ष्मी के रूप में है, बल्कि ये मंदिर बड़ी काली जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि लोग पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं, यही नाम से यहाँ पूजा अर्चना चलती है क्योंकि जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को साफ तौर पर यही है कि माता रानी की यहाँ पूजा अर्चना चलती है। और बिल्कुल चलिए भगवत सुप्रिया वर्षा शाही, हरेंद्र दुबे और कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस दौरान क्योंकि नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आज छठा दिन है तो सभी लोग माता कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में भक्त लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और पूजन इस दौरान कर रहे हैं।